देखो अपने क्वेश्चन में दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है अपने को मोड एक्स, राइट। और पूछा गया है इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें अपने को एट एक्स बराबर जीरो, ठीक है। देखो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, एफ डैश एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंड इंटू जीरो, सॉरी लिमिट एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंड इंटू जीरो प्लस, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये तो क्या होती है अपनी राइट हैंड डेरिवेटिव होती है ये तो, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है, ये इक्वल टू होनी चाहिए किसके, लिमिट एच टेंड इंटू क्या होता है जीरो माइनस, और कितना होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, राइट। यही होती है अपनी, ठीक है, ये होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो अभी हमें क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, यदि इक्वल होंगी तो ही क्या होगा वो डिफरेंशियबिलिटी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लिमिट एच टेंड इंटू जीरो प्लस, और अपने को कितना निकालना है एट एक्स बराबर कितने जीरो पे, तो ये कितना जाएगी एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, ठीक है। देखो किसकी इक्वल हो जाएगी जीरो प्लस एच, अर्थात एच क्या अपना कोई पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी, देखिए मोड एक्स को एफ एक्स बराबर कितना दिया गया अपने को, एफ एक्स बराबर गिवन अपने को मोड एक्स, यदि इसके अंदर की वैल्यू क्या पॉजिटिव तो एक्स की तो पॉजिटिव साइन से हो जाएगा एच माइनस जीरो अपॉन एच, अर्थात अपने पास वैल्यू कितनी आई वन, ठीक है। अब यदि लिमिट एच टेंड इंटू क्या हुई जीरो माइनस हुई, तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, सॉरी माइनस एच। तो देखो ये कितना बन जाएगा लिमिट एच टेंड इंटू जीरो माइनस, ये कितना बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच माइनस एच। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, देखो माइनस एच माइनस ऑफ एच, अब एच कितना अपना जीरो माइनस, मतलब जीरो से छोटी वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, तो एच की यदि कोई वैल्यू नेगेटिव है और आगे माइनस लगाओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात ये किससे साइन होगा पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स, सॉरी एच किसकी जगह कितना जाएगा एच जाएगा, और ये जीरो पे कितना जीरो अपॉन माइनस एच, तो वैल्यू कितनी है माइनस वन। इसका मतलब क्या है, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है अपने पास वन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है माइनस वन, अर्थात दोनों क्या नहीं है इक्वल नहीं है। यदि दोनों इक्वल नहीं है तो एट एक्स बराबर जीरो पर अपना जो डिफरेंशियबिलिटी है वो क्या बोलते हैं उसको, और नहीं हो सकता, राइट। एट एक्स बराबर जीरो पर वो डिफरेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल नहीं है, राइट। और देखो जो इस तरह के जो अपने मोड वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सबसे आसानी से चेक कैसे कर सकते हैं इनकी डेरिवेटिव को, देखो मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यदि अपन किसी चीज़ का कोई ग्राफ बनाते हैं और यदि किसी पॉइंट पर ऐसे शार्प पॉइंट बनता है, राइट, जैसे कि ये शार्प पॉइंट बन रहा है, यदि इस तरह से शार्प पॉइंट बनता है या शार्प कॉर्नर बनता है तो उस पॉइंट पर वो 100% वो डिफरेंशियबिलिटी है वो नहीं होता है, राइट। तो मोड एक्स के ग्राफ में भी क्या बन रहा है, इस पर जीरो पर शार्प पॉइंट बन रहा है इसलिए वो जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, और अपने चेक करके भी देख लिया कि वो एक्स और जीरो पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या वो एक्स बराबर जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है।